था आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक तेज रफ्तार बस ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि ऑटो में 2 लोग सवार थे और दोनों तिरुपति से घर वापस लौट रहे थे। लेकिन इस दौरान दूसरी तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार बस ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और बस ऑटो के ऊपर चढ़ गई, जिसकी वजह से ऑटो में बैठे लोग बस और ऑटो के नीचे दब गए। हादसे के बाद इलाके में हाहाकार मच गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस बीच कुछ लोगों ने बस के ड्राइवर के साथ मारपीट भी की। हादसे के बाद बस को खाली किया गया। बस में सवार सभी लोगों को नीचे उतारा गया। इसके बाद वहां मौजूद लोग बस को पीछे की तरफ धक्का देते नजर आए। अब तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मुद्दे पर सख्त तेवर दिखाने वाली जेडीयू के सुर नरम पड़ गए। बीजेपी से गठबंधन पर बड़ा फैसला लेते हुए जेडीयू ने कहा कि अगर बीजेपी ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाई तो भी गठबंधन को नहीं तोड़ा जाएगा। जेडीयू के नेता केसी त्यागी के मुताबिक अगर ऐसी स्थिति बनती है तो एनडीए गठबंधन में रहकर ही विरोध किया जाएगा। इसके साथ ही केसी त्यागी ने यह भी साफ कर दिया कि जेडीयू केंद्र में सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब हमला होता है आर्टिकल 370 पर, इसको डाइल्यूट करने का जब प्रयास होता है, एकमात्र नेता है जयप्रकाश नारायण जो आर्टिकल 370 को सपोर्ट करते हैं। हम उनके वंशज, हमारा दायित्व है अपने पुरुषों के सवालों को उठाने का, इसलिए उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, जनता दल के पास को समर्थन रहे, इस पर कोई विवाद नहीं। हम एनडीए में रहते हुए हमने पहले भी किया भाई, ट्रिपल तलाक का विरोध किया, ये तो आपकी इच्छा हुई ना कि अलग हो जाए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस वालों पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। लोगों ने दावा किया कि पुलिस ने सरेआम गुंडागर्दी करते हुए जबरन उनकी दुकानें बंद करवा दी और डंडा दिखाकर लोगों को वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई पुलिस वाले डंडा लेकर लोगों को दौड़ाते दिखे। एक पुलिस वाले ने दुकान के बाहर रखी पेटी पर डंडा मारा, जिसके बाद मौके पर खड़े लोग वहां से निकल गए। इसके बाद पुलिस वाले एक मिठाई की दुकान के सामने पहुंचे और डंडा दिखाकर दुकानदार को डराने लगे। रात के वक्त सड़कों पर डंडा लिए पुलिस वालों ने जमकर हंगामा किया और जबरदस्ती दुकान बंद करवाते दिखे। वहीं लोगों की शिकायत के बाद बीजेपी नेताओं ने आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की। वो जनता के सामने गुंडागर्दी कर रहा है, ऐसे टीआई को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। वहीं पुलिस कप्तान ने मामले में जांच का आदेश दे दिया। हमने एक प्राथमिक जांच आदेशित की है और उसके अनुसार अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी नेताओं ने दुकान बंद करवा रहे थाना प्रभारी पर शराब के नशे में होने का भी आरोप लगाया। फिलीपींस सरकार ने पर्यावरण को बचाने और हरियाली बढ़ाने के लिए एक नया कानून बनाया है। इस कानून के मुताबिक फिलीपींस के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को 10 पौधे लगाने के बाद ही ग्रेजुएशन की डिग्री मिल सकेगी। फिलीपींस की सरकार ने इसके लिए ग्रेजुएशन लेगेसी फॉर द एनवायरनमेंट एक्ट नाम के नए कानून को मंजूरी दे दी। फिलीपींस में हर साल 1,20,00,000 छात्र प्राथमिक स्कूलों से, 50,00,000 हाई स्कूल से और 5,00,000 छात्र कॉलेजों से ग्रेजुएट होते हैं और अगर इस नियम को सही तरीके से लागू किया गया तो वहां हर साल 17 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए जा सकेंगे। नए कानून के मुताबिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के अलावा कृषि विभाग और आम लोग भी इस कानून का पालन करेंगे। सभी सरकारी एजेंसियां इसकी निगरानी करेंगी और वही छात्रों को पौधे भी उपलब्ध करवाएंगी। बताया गया कि फिलीपींस में 85 साल में जंगल का इलाका 70% से घटकर 20% रह गया। जेडीयू ने ऐलान किया है कि बीजेपी के साथ गठबंधन सिर्फ बिहार और केंद्र में है। इसके अलावा जेडीयू का विस्तार करने का फैसला किया गया है। साथ ही आने वाले 4 राज्यों के चुनावों में जेडीयू ने अकेले उतरने का फैसला किया है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि पार्टी 4 राज्यों हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और झारखंड में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। हम एनडीए के पार्ट हैं और एनडीए के पार्ट रहेंगे। 2020 का विधानसभा चुनाव एनडीए के बैनर के नीचे श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाए और अब 4 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा और झारखंड और जम्मू कश्मीर, पार्टी ने तय किया है कि इन 4 राज्यों में पूरी ताकत और मेहनत